हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि हमने पिछले सबक के पार्ट में जो देखा था, कुछ चीज़ों के नाम सुने थे और उनको दोहराया था, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, पंखा, कंप्यूटर वगैरह वगैरह। अब इन चीज़ों का इस्तेमाल जुमलों में कैसे करेंगे, वाक्यों में कैसे करेंगे, वो हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये है फ्रिज। अब इसको जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, मराठी में देखते हैं। काजल फ्रिज मध्ये दूध ठेवते, यानी काजल फ्रिज में दूध रख रही है। उसके बाद इसका जुमला कैसे होगा, आई ने वॉशिंग मशीन मध्ये कपड़े धुतले, यानी उर्दू में उसे कहेंगे आई ने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए। इसे कहेंगे दादा संगनकावर चित्र काटतो, यानी इस लड़की का भाई कंप्यूटर पर पिक्चर्स बना रहा है। दो बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं, तो इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कविता ने टीवी वर सिंह पाइला, यानी कविता ने एक जानवर है जिसका नाम है सिंह, उसे देखा। अब ये देखिए, यहाँ पे खूब लोग मोबाइल चा वापर करता, यानी बच्चे, बड़े, औरतें, सभी मोबाइल का वापर, यानी मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तादाद में करते हैं। वीज बचत साठी सौरम बचा वापर करता, यानी बिजली बचाने के लिए इस शमसी तवानाई आले का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको हम घर की छत पे लगाते हैं, ये सूरज की रोशनी हासिल करके बिजली पैदा करता है, जिससे बिजली का खर्च नहीं आता। ये है पंखा। अब इसको जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, पोचा कराया है पंखा चालू कर, यानी पोचा लगाना है, पंखा शुरू करो। इसे कहते हैं इस्त्री, यानी आयरन। अब इसे हम जुमलों में इस्तेमाल कैसे करेंगे, मला एक ड्रेस की प्रेस करायची आहे, यानी मुझे एक ड्रेस की इस्त्री करना है। इस तरह हमने इन सभी चीज़ों को वाक्यों में उपयोग किया, यानी इस्तेमाल किया। आप इसे सुनिए, गौर से पढ़िए और आप भी इस तरह बोलने की कोशिश कीजिए। हमारे सबक का नाम यही है, आइकुया बोलुया, यानी पहले हम गौर से सुनेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।